गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए इस पार्ट में हम आगे चलते हैं। हम जो पार्ट पढ़ रहे थे, हमारा पार्ट था संदेश लेखन, और अब इसमें हम बात कर रहे थे। मैं जैसा आपको पढ़ा रहा था कि आज सबसे ज्यादा जो यूज हम करते हैं उसके लिए, संदेश के लिए, मैसेज का जो हम, वो है व्हाट्सएप, है ना। और व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम जो है आज बहुत सारे संदेश भेजते हैं। और भी संदेश के लिए हम यूज करते हैं, जैसे मैं बता रहा था, ईमेल हो गया और फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। तो ये सारे जो जो सोशल मीडिया के हमारे पास में जो संचार माध्यम के जो साधन हैं, इनके माध्यम से हम जो है संदेश भेजते हैं। तो अब हम जो है, मैं संदेश का प्रारूप, संदेश का प्रारूप का प्रारूप, ठीक है, और इसमें हमें देखना है कि कौन सी बातें इसके लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला जो बात है, लेखन कितने शब्दों में होना चाहिए। तो लेखन आपका जो है वो 30 to 50, मिनिमम 30, ठीक है, मिनिमम 30 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 या उससे ऊपर। मैंने आपको कहा था कि हमारे जो शब्द हैं वो 80 तक भी हो सकते हैं। अब आज हम करते क्या है कि कोई भी संदेश, कुछ संदेश तो ऐसे होते हैं कि वो उनमें मतलब केवल संदेश है तो वो 30 to 50 शब्दों में, लेकिन कुछ में जैसे बधाई संदेश होते हैं, शुभकामना संदेश होते हैं, ये इनमें हम जो है आज क्योंकि जमाना नया है, एडवांस जमाना है, मॉडर्न का जमाना है, तो उसके लिए शायरी यूज करते हैं। अगर आपको आप जैसे होली दिवाली वगैरह रक्षाबंधन का है, उसके लिए हम शायरी यूज करते हैं, तो वो शायरी को मिला करके आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो 30 to 50 होते हैं। दूसरा मैं बात बता रहा था कि कोई भी संदेश आपका है उसके लिए आपको नंबर टू है, बॉक्स के अंदर आपको उसको सेट करना, ठीक है, ये आप संदेश लिखेंगे, ओके। तो ये आपका बॉक्स के अंदर आपका संदेश। नंबर थ्री, उसमें डेट और टाइम, समझ गए, इसमें समय और दिनांक आपको जो है वो उल्लेख करना होता है। अब मैं बता रहा था कि आज व्हाट्सएप तो समय और दिनांक तो अपने बता देता है, लेकिन अगर आप किसी कागज पर, किसी पत्र पर अगर आप संदेश भेज रहे हैं, कोई ग्रीटिंग आप भेज रहे हैं, तो उस पर आप संदेश के लिए दिनांक और तिथि लिखेंगे। नंबर फोर, संबोधन होता है, किसके लिए आप ये संदेश भेज रहे हैं। अपने पिताजी को भेज रहे हैं, माँ को भेज रहे हैं, भाई बहन को भेज रहे हैं, मित्रों को भेज रहे हैं, या अपने गुरुजनों को भेज रहे हैं, अपने जो आपके इष्ट मित्र होते हैं, भाई बंधु होते हैं, जिसके लिए भी वो मैसेज होता है, उनका संबोधन, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, नंबर छह, आप देखते रहे और अगर आप नोट कर रहे तो नोट भी करते रहे। वैसे आपको मैं, अगर ये लेसन आज पूरा होता है तो मैं शाम तक इसकी पीडीएफ आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। लिखने वाले का नाम, लिखने वाले का नाम, सेंडर कौन है, ठीक है, तो सेंडर का यहाँ पर नाम होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान ही रखना है क्योंकि एग्जाम में आप जो है वो नाम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर आप का, खा,
या अगस्त जो भी आप है ना हिंदी में आपको जो है वो करना है। अच्छा अब नंबर सेवन जो बात है वो है आपका जो संदेश लेखन होता है वो एक ही अनुच्छेद में। अब एक ही अनुच्छेद का मतलब आप समझते होंगे, किस किस को नहीं पता है जरा जल्दी बताओ कि उसको एक ही अनुच्छेद में क्या होता है। एक अनुच्छेद में हो और सटीक हो, अनुच्छेद किस किस को पता है जरा बताओ, ऊपर से लोग जुड़े हैं तो वो बताएं भाई। विशाल का नाम सबसे पहले आता है मुझे याद, तो संध्या रोतेला है और शिवम पोखरियाल है, दीपक नेगी है, मोनिका पोखरियाल है, प्रीति सक्सेना, विशाल पढ़िया, अजय कांत, हरिओम चमोली, अनुरुद्ध नोटियाल, स्टडी विद डीपी सर, ये कौन है, इनका नाम नहीं पता है कौन है ये। संध्या रोतेला, सुमित नोटियाल, दीपक अनुच्छेद है किसी को मालूम? चलिए तो आप बताएं तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। अच्छा नंबर आठ, औपचारिकता, उस संदेश की औपचारिकता और अनौपचारिकता संदेश पर निर्भर करती है, ठीक है, या उसके जो विषय है विषय पर निर्भर करता है। ओके जो आपका संदेश का जो आपका सब्जेक्ट है वो औपचारिक और उसका अनौपचारिक होना उसके विषय पर निर्भर करता है। अगर ये पॉइंट समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, फिर भी अगर मैं बता दूं कि अब अगर हम इसकी औपचारिकता और अनौपचारिकता को समझें तो जैसे कि संदेश के कई प्रकार हैं, है ना, एक दो ही संदेश में लेता हूं, एक संदेश है शोक संदेश और एक संदेश है बधाई संदेश। अब शोक संदेश में कुछ औपचारिकताएं होती है ना, वो व्यक्ति जिनका जिनके लिए शोक हो रहा है तो उसमें कुछ बातें औपचारिक हैं, केवल दिनांक समय स्थान और का उसमें जो है वो वर्णन होता है। जबकि अनौपचारिक जो संदेश जैसे मैं कहता बधाई संदेश है उसमें अनौपचारिकताएं होती हैं, आप उसमें शायरी लिख सकते हैं, उसमें आप जोक्स लिख सकते हैं, उसमें आप अपनी कुछ पर्सनल बातें आपकी होती हैं वो लिख सकते हैं, तो ये सारी बातें हैं औपचारिकता अनौपचारिकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उस संदेश की भाषाई दक्षता, अर्थात की जो उसकी भाषा है वो सरल हो, सुगम हो और पढ़ने वाले के समझ में वो आए, बोधगम्य होनी चाहिए। उसमें शब्दावली जो आप जो शब्दों का यूज करते हैं वो सरल शब्द हो और जल्दी से वो पकड़ में आ जाए, है ना, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था। तो अगला जो पॉइंट हमारा है तो उसमें लिखा हुआ है कि सृजनात्मकता का महत्व है परंतु विषयगत का पर अधिक बल हो। वो मैसेज जो आप लिख रहे हैं उसमें एक सृजन होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए उसमें, ठीक है, लेकिन विषयगत तथ्यों जो विषय से संबंधित आप जो है वो संदेश लिख रहे हैं उसके बारे में ही हम उसमें लिखें। पता चला हम दिवाली का मैसेज लिख रहे हैं और वहां हमने होली का जो है मैसेज कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट जो चीज मैं बता रहा था आपको वो है कि ये जो संदेश है ये शॉर्ट होना चाहिए। मैंने कहा कि जो संदेश लेखन है वो 30-50 words, ठीक है, अधिकतम आपका 80 words, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं। ओके
समझ गए सब लोग। और जो लास्ट पॉइंट है वो जो बड़ी बात है कि इधर उधर की बातों को उस पर ना डालें, मुहावरों का लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको इस संदेश लेखन में याद रखनी है। अब हम कुछ उदाहरण पे आए, या पहले हम थोड़ा सा चलते हैं इसके सूचना और संदेश में अंतर क्या होता है। तो सूचना और संदेश का जो अंतर है वो है कि पहला जो है सूचना, यहां पर मैं लिखता हूं और ये मैंने इसको डिवाइड किया बीच से और यहां मैंने दिया संदेश, ओके। अब सूचना का जो पहला जो विषय है वो सूचना औपचारिक होती है, शॉर्ट में यहां थोड़ा सा आपको समझाता हूं, औपचारिक होती है, ओके। ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों होता है, संदेश अनौपचारिक होता है लेकिन कहीं कहीं पर उसके लिए औपचारिकता का, जैसे मैं कहता हूं संदेश में कुछ औपचारिकताएं होती हैं उनको ही आपको वर्णन करना होता है। नंबर टू है ये सूचना सार्वजनिक होती है, सार्वजनिक आप जानते होंगे, नंबर टू है यहां पे ये व्यक्तिगत होता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है कि सूचना में स्थान समय प्रेषक तिथि दिनांक को बोलते हैं और विषय, किस विषय पर सूचना है, ठीक है, ये आदि लिखे जाते हैं। जबकि जो इधर ये अपना संदेश है इसमें केवल विषय समय तिथि इनका उल्लेख होता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है कि सूचना सब पढ़ सकते हैं, है ना, आप अखबार पढ़ते होंगे उसमें सूचनाएं आती हैं, लेकिन संदेश जो आपके जानकार हैं, आप आपके जानकार, आपके सगे संबंधी, ठीक है, यही, और आप जो जिनको आप जानते हैं ये आपके संदेश को पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है संदेश में सूचना में जो कार्यालय शब्दावली होती है, शब्दावली का प्रयोग, का प्रयोग, जबकि संदेश लेखन में विषय के अनुसार अनुसार सरल बोधगम्य शब्दों का प्रयोग, ठीक है। और कितने हो गए, पांच हो गए,
और नंबर छह है कि सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती। हम इमेज यूज करते हैं ना, है ना, आवश्यकता नहीं, जबकि जबकि जो अपना संदेश है उसमें विषय के अनुसार के अनुसार चित्रों का प्रयोग होता है। तो ये था आपका संदेश लेखन और सूचना लेखन का अंतर। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो सूचना है वो औपचारिक होती है, संदेश अनौपचारिक होता है। दूसरा जो चीज है, संदेश व्यक्तिगत होता है जबकि सूचना सार्वजनिक होती है। तीसरा है, सूचना में स्थान, समय, प्रेषक और तिथि का वर्णन कुछ मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा अंतर है, विषय, समय और तिथि संदेश लेखन में भी होता है। नंबर चार है, सूचना सब पढ़ सकते हैं जबकि जो संदेश है वो आपके जानकार, आपके सगे संबंधी ही पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है, सूचना में औपचारिक कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है जबकि जो संदेश है उसमें हम सरल बोधगम्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट है, सूचना में आपके चित्रों का, जो इमेज आप डालते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है जबकि संदेश में हम उस विषय के अनुसार कोई भी चित्र यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया सबके, इतने पॉइंट जो है सूचना और संदेश का अंतर आपको समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, अब हम आते हैं इसके उदाहरण पर, ठीक है, उदाहरण पर हम आए और अब हम चलते हैं इसके उदाहरण पर। तो मिसाल समझ गए, बहुत अच्छे मिसाल। चलिए अब हम जो है कुछ उदाहरण मैं आपको संदेश लेखन के, ठीक है, संदेश लेखन के कुछ उदाहरण हमारे पास में है। अब जैसे नेक्स्ट वीक मंथ में हमारे पास में दीपावली आने वाली है, शायद 14 नवंबर को दीपावली है, है ना। तो अब दीपावली के लिए मैसेज हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा एक मिनट के लिए मैं इसको, तो संदेश लेखन का उदाहरण। अब मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें जो है इसमें तिथि और समय का इसमें उल्लेख करना है, ये था तिथि और समय का उल्लेख। तो अब जैसे 14 नवंबर को जो है वो दीपावली आ रही है, तो इस संदेश को हम जो है 14 की बात है तो लगभग वो 4-5 तारीख से हम उसको भेजना शुरू करें। तो अगर हम जो है 5 नवंबर का डेट भी लेते हैं, 5 नवंबर 2020 और समय है आपका प्रातः 10 बजे, ओके, समझ गए। अब क्योंकि ये संदेश आपको, अब किसको भेजना है ये आप पर निर्भर करता है, जिसको भी संदेश भेजना है वो उसका हमें यहां पर उल्लेख करना। तो क्योंकि दीपावली है, पूरा देश का त्योहार है, इसलिए अपने
सभी जो है हमारे बंधु बांधव उनके लिए हम यूज करते हैं। अच्छा ध्यान ये रहेगा यहाँ पर कि ये सारी चीजें हम जो है ये जो मार्जिन लाइन है इससे ही मिला के चले, ठीक है, मार्जिन लाइन से मिला के हम जो है ये चलेंगे। ओके चलिए अब हम एक लाइन यहाँ पर छोड़ देते हैं जैसा होता है और नेक्स्ट लाइन हम करते हैं मित्रों विराम चिन्हों का आपको जो है बड़ा ध्यान रखना है। ओके मित्रों या प्रिय मित्र जो भी है। अच्छा अब मैंने कहा था कि क्योंकि तो दीपावली का जो संदेश है वो अनौपचारिक है, ठीक है, उसमें औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको जो है उसमें मतलब कुछ ही बात आप उसमें अपने मन के कोई भी भाव आप उसमें ले सकते हैं। तो इसके लिए आप शायरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो शायरी हम जो है वो लिख देंगे, कुछ भी शायरी आप जो दीपावली संबंधित होती है, जैसे कि कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। उदाहरण के लिए आपको इसको यहाँ पर चुनना है, ठीक है, मैं स्पेस कम है तो आपको ये जो मैं चीज लिख रहा हूँ ये आपकी यहाँ पर मतलब ये जो लाइन आपकी इसमें ये आया, ठीक है, यहाँ पर इतना भी मैं उसको बाद में जोड़ूंगा। तो क्या कैसा है कि कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, ठीक है, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। अच्छा एक चीज और, अगर अब आपको इतना ही संदेश लिखना है ना, लगभग जो है इसमें 30 words हो गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और जो लास्ट में आपका दीपोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना, शायद ये आपके 30 words हो चुके हैं। यहाँ पर आप अपना नाम भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जोड़ दूं, मेरी तथा मेरे परिवार की ओर से, परिवार की ओर से अब ये इसके बाद मेरी तथा मेरे परिवार की ओर से आप सबको ये लाइन मुझे ऊपर लिख दीजिए, आप सबको दीपोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये आपका शुभ रूप में अगर आपको केवल 30 words में 30 to 50 words अगर आपको संदेश भेजना है तो इतना संदेश आपका ये हो जाएगा, सरल सी बात है। अब आपको देखो हर त्योहार से, हर पर्व से, हर उत्सव से, हर दिवस से आपको ये जो शायरी है ये आपको एक एक याद हो जानी चाहिए। वैसे आज के युग में तो बहुत बच्चे जो एडवांस हैं उनको पता है कैसे कैसे शायरी उनको लिखनी है। इसी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं 50 to 80 words में ले जाऊं मैं, तो अब ये तो इतना हो गया जो अच्छा ये तो लास्ट में आना ना, ये वाला यहाँ पर भी लास्ट में इतना लिख के भी आप जो है इसको लास्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप इसको, लेकिन अगर और कुछ आप जोड़ना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे
अब आ ये चीजें यहां पे है, ठीक है। अब मैं यहां पे आगे बढ़ा रहा हूं, प्रिय मित्रों, विराम चिन्हों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंटिन्यू चलेंगे कल। अब मतलब अगर आप जैसे मैं कह रहा था 14 को आप लिख रहे हैं और 30 नवंबर को आप जो है ये मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो कल प्रकाश पर है, समझ गए। झिलमिल अच्छा, अभी फिलहाल में एक तो इतना संदेश हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, इतना सा इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूं, इसको मैं बाद में ऐड करूंगा। झिलमिल क्या कहते हैं, कल प्रकाश पर है झिलमिल, झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली आपके परिवार में सुख समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए, लेकर आए पूर्ण विराम। इस पावन अब जो मैंने लाइन यहां पर मिटाई थी ना, वो लाइन हम यहां पर इस पावन पर्व पर आप सब प्रिय जनों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं दिख रहा है सबको, यस दिख रहा है, शुभकामनाएं। ओके और अब हमको क्या करना है, जो बड़ी बात मैंने सबसे पहले आपको बताई थी, आपका नाम यहां पे लिखेंगे प्रेषक। अब पेपर में ही आपको ये काम करना है, तो का खा गा, ओके। तो ये आपका संदेश, ठीक है, और ये संदेश जो है आपको इस तरह से आपको लिखना है। अब मैंने बात पूछी थी एक ही अनुच्छेद में, शायद जवाब तो किसी ने नहीं दिया अब तक, नहीं दिया है किसी ने भी अब तक जवाब नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो ये एक अनुच्छेद हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक पूर्ण विराम नहीं लगा, यहां पर हम पूर्ण विराम लगा देंगे। और अब हमको क्या करना है, क्या करना है, हमको हमको इस मैसेज को, पूरा मैसेज को हमको
इसको हम जो है पूरा जो बॉक्स में इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इस आउटर टाइप को आप जो है थोड़ा सा इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, ऐसे आप इनको जो है डिजाइन जैसा भी आपको देना है वो आपका इच्छा अनुसार जो है वो हो गया। तो ये उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, दीपावली के लिए आप संदेश लिख रहे हैं, बधाई संदेश है, शुभकामना संदेश है ये, और इस संदेश को जैसे मैं कह रहा हूँ कि 14 नवंबर को दीपावली है, तो आप इसको 13 को लिख रहे हैं, प्रातः समय है आपका सुबह का 10 बजे का, और एक शायरी हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। इस तरह से आप एक अनौपचारिकता इसमें है ना, अपने मन के भावों को आप इसमें प्रकट करते हैं। अब इसके साथ में हम, मैंने कहा था कि इसको हम यहां पर भी हम इसको एंड कर सकते हैं। मिसाल यस, बिना टाइटल के लिखा हुआ अनुच्छेद, गुड, वेरी गुड। तो मैंने कहा था कि यहां पर आकर के हम यहां पर ये और लास्ट की ये लाइन, कहां पर, यहां पर ये लाइन, ठीक है। देखो तीन चीजें बता रहा हूं मैं आपको, एक तो ये चीज, ठीक है, दूसरा ये वाला, और तीसरा यहां से यहां तक। और ये तो खैर आना ही आना है। अब आप इन शब्दों को अगर कहेंगे तो शायद 30 to 50 तो है यहाँ पे, 24 यहाँ पे हो गए थे हमारे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। तो चलो इसको अगर हम एक मान लें तो 44 या 45 यहाँ पर शब्द हमारे पास में है, ठीक है। तो ये आपका संदेश लेखन हो चुका है, समझ गए। तो ये पाठ आपका पूरा हुआ, मैं आपको कुछ देर बाद आपको इसका पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, आप देख लें उसको, आप उसको रिविजन कर लेंगे, और जो उसमें जो होमवर्क होगा वो आप मुझे बना करके भेजना है, समझ गए। तो आज के लिए हम इतना ही, सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी की कोई समस्या है इस संदेश लेखन को लेकर के तो मुझे वो पर्सनली जो है वो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।